महाभारत युद्ध को धर्मयुद्ध कहा जाता है। इस धर्म युद्ध को जीतने के पांडवों को कई ऐसे काम भी करने पड़े धर्मानुसार नहीं कहा जा सकता, और इसमें सबसे बड़ी श्री कृष्ण की रही। श्री कृष्ण ने न्याय और सत्य को जीताने के धर्म की अपनी गढ़ी और ऐसे चाले पांडवों को युद्ध में श्री की हुई। भगवान श्री कृष्ण के 5 छल पांडव महाभारत युद्ध में हुए। 1 कृष्ण भीष्म महाभारत युद्ध में के सबसे जरूरी था भीष्म युद्ध क्षेत्र से हट जाए। इसके श्री कृष्ण ने अर्जुन के रथ पर को बैठाया। पूर्ण पुरुष नहीं था भीष्म, इन्हें स्त्री मानते थे, वह पूर्व जन्म में अंबा थी। भीष्म की थी वह स्त्री पर नहीं चलाएंगे। इसी का लाभ उठाकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह भीष्म को वानों की शया पर, और अंत में यही हुआ। 2 द्रोणाचार्य भीष्म के बाद द्रोणाचार्य ऐसे योद्धा थे, रहते युद्ध जीतना असंभव था। इन्हें के रास्ते से हटाने के श्री कृष्ण ने धर्मराज को झूठ बोलने के ने द्रोणाचार्य से कहा, उनका पुत्र अश्वत्थामा मर गया है। मरा था अश्वत्थामा नाम का एक हाथी। के आधे सत्य से दुखी होकर द्रोणाचार्य ने अपने धनुष बाण जमीन पर रख और करने लगे। मौके का लाभ उठाकर धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य का वध कर। अर्जुन महाभारत युद्ध के दौरान एक सूर्य ग्रहण हुआ ऐसा माना जाता है। कहते हैं अर्जुन ने ले ली वह सूर्यास्त, तक जयद्रथ का वध नहीं कर पाए तो आत्मदाह कर लेंगे। अगर ऐसा हो जाता तो पांडवों की हार हो जाती। युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र सूर्य की ओर छोड़ सूर्य की रोशनी छुप गई और सभी को लगा शाम हो चुकी है। यह ग्रहण जैसी थी जयद्रथ अर्जुन को आत्मदाह के उकसाने लगा। इसी बीच श्री कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य की ओर से हटा और सूर्य आया। अर्जुन ने पास खड़े जयद्रथ का वध कर और अपनी पूरी की। 4 कर्ण अर्जुन भगवान श्री कृष्ण ने 4था छल उस समय जब कर्ण कौरव सेना का बना और अर्जुन से युद्ध के आया। कर्ण के रथ का जमीन में धंस गया के कर्ण ने अपने धनुष बाण रख। कर्ण को देखकर श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण वध के उकसाना शुरू और चलवा। क्षण भर में कर्ण का अंत हो गया। 5 भीम दुर्योधन का अंत भी श्री कृष्ण की छल से संभव हुआ। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को माता के पास होकर न जाने की सलाह दी, कमर के का वज्र का नहीं हो पाया। भीम के साथ जब दुर्योधन का युद्ध हुआ तब श्री कृष्ण ने भीम को सलाह दी, कमर के नीचे के पर प्रहार करो, यह के था। कमर के नीचे गदा के प्रहार से भीम की मृत्यु हुई। इस तरह पांडवों को महाभारत में श्री